हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने वाली हूँ जिसका टाइटल है स्क्विरल और इसको अंबाई ने लिखा था। तो पहले मैं आपको अंबाई के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अंबाई का रियल नेम है सीएस लक्ष्मी और उनका जन्म हुआ था 1944 में कोयम्बटूर में। और वो एक इंडियन फेमिनिस्ट राइटर थी। वो हमेशा विमेन कॉज के लिए लिखती थी और विमेन्स का स्टैंड लेती थी। और जो शॉर्ट स्टोरी मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी स्क्विरल, इसको हम एक नॉन कन्फर्मिस्ट स्टोरी बोलेंगे क्योंकि इस स्टोरी में अंबाई ने बहुत स्ट्रॉन्गली फेमिनिज़म को नरेट किया है। और इसका मतलब होता है नॉन कन्फर्मिस्ट का कि प्रिवेलेंट जो चीज़ें चलती आ रही है विमेंस को मतलब दबा के रखने की, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना या इनजस्टिस के ख़िलाफ़ क्वेश्चन करना। तो सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक नाउ। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको सबसे पहली बार तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसका टाइटल था अनिल। बाद में वसंत और राघवन ने 1992 में इसको ट्रांसलेट करके पब्लिश करा। इस स्टोरी में बताया गया है कि उस टाइम में कैसे विमेंस को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि वो उस टाइम एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हुआ करता था जहाँ विमेंस को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। और यहाँ पे जो स्क्विरल है, स्क्विरल को एक ट्रांजिशन बताया गया है ड्रीम और रियलिटी के बीच में। तो मैं आपके साथ अब ये स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। इस स्टोरी का स्टार्टिंग होता है जब नरेटर एक लाइब्रेरी में जाती है और लाइब्रेरियन को जाके पूछती है कि इस लाइब्रेरी के थर्ड फ्लोर पे क्या रखा हुआ है। तो लाइब्रेरियन जवाब देता है कि इसके टॉप फ्लोर में कुछ भी नहीं है, धूल मिट्टी के अलावा सिर्फ डस्ट है वहाँ पे। तो नरेटर पूछती है कि नहीं, मैं टॉप फ्लोर में रखी किताबों की बात कर रही हूँ। तो लाइब्रेरियन जवाब देता है कि टॉप फ्लोर में जितनी भी किताबें हैं वुमेन्स के द्वारा लिखी गई है, पर उनको कोई पढ़ता नहीं, इसीलिए वो धूल मिट्टी में जमा पड़ा है। तो नरेटर परमिशन लेती है लाइब्रेरियन से कि क्या मैं उन किताबों को देख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। तो लाइब्रेरियन उसको परमिशन दे देता है। फिर जैसे ही वो चढ़ती है थर्ड फ्लोर में, वो देखती है कि वहाँ पे एक स्क्विरल होता है। तो यहाँ पे स्क्विरल को मैंने पहले बताया आपको कि एक ट्रांजिशन के तौर पे डिपिक्ट किया गया है सपने और सच्चाई के ट्रांजिशन में। कहीं ना कहीं ये स्क्विरल नरेटर के इनर वर्ल्ड को डिपिक्ट करता है, क्योंकि इसमें जो नरेटर है वो बहुत ही स्ट्रांग फेमिनिस्ट है। वो औरतों के स्टैंड के लिए खड़ी होती है हमेशा। तो जैसे ही वो कुछ तो जो स्क्विरल होता है वो किताबों में लगे हुए जो ग्लू होते हैं, कवर में जो लगा हुआ ग्लू होता है, उसको खा रहा होता है। तो फिर जो नरेटर होती है वो किताबों को ऐसे देखने लगती है, तो उनमें से वो कुछ किताबों को पढ़ती है और उनको पेनमा बोधिनी और जगन मोहिनी नाम के कुछ किताबें मिलती है जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फेमस बुक्स है। और इसके अलावा और भी कुछ बुक्स मिलती है जो सारे विमेन राइटर ने लिखे हुए होते हैं। तो क्या होता है कि उन किताबों में से ना वो किताबें इतनी पुरानी हो चुकी होती है जो विमेन से लिखी होती है, और कोई उनको पढ़ता नहीं, यूज़ नहीं करता। तो उनके जो कवर में जो ग्लू होते हैं वो मतलब कहीं ना कहीं वो ग्लू सूख गए होते हैं। तो लाइब्रेरी वालों ने क्या करा होता है, उन किताबों को स्ट्रिंग से बांध के रख दिया होता है। उनमें से एक स्ट्रिंग का कांटा नरेटर को चुभ जाता है। तो जैसे ही वो कांटा नरेटर को चुभता है, नरेटर ने अपने आप को ऐसे बोला है कि उनको ऐसा लगता है कि एक शॉक वेव उनके आत्मा को बिल्कुल छू गई हो अंदर से। वो इतनी ज़्यादा मतलब शॉक हो जाती है कि वो बोलते हैं कि माना ये जो कांटा है वो मेरे पैरों में चुभा है, पर ऐसा लग रहा है कि मेरे सर से पाँव तक एक शॉक वेव सा चला गया हो, मेरी सोल तक उस शॉक वेव से टच हो गई है। फिर वो कुछ किताबें पढ़ने लग जाती है और वो एकदम से स्क्विरल से बात करने लगती है। स्क्विरल को बोलती है कि अगर यहाँ पे इन किताबों को लेके अफसोस करने वाला कोई है तो वो सिर्फ मैं हूँ और ये स्क्विरल है, बाकी यहाँ किसी को भी कोई अफसोस नहीं है इन किताबों का। फिर वो कुछ औरतों के बारे में बताने लगती है, जिनमें से एक औरत है अन्ना सत्यंधन, जो कि अपने डेथ बेड पर थी और वो अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि तुम मेरे लिए प्रे करो। फिर वो एक दूसरे किताब से एक औरत के बारे में बताती है जो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के घोड़े पर सवार होकर क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने निकली थी, और आज ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी का दरवाज़ा तोड़ के इस जगह पे आके किताब में ही बस गई हो और अब उस किताब की कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर वो एक और लड़की के बारे में बताती है, एक बंगाली लड़की
जिसने खुद को आग लगा लिया था सिर्फ इस बात के लिए कि वो अपने पिताजी को रोक नहीं पाई थी, क्योंकि उसके पिताजी ने उसके शादी के खर्चे के लिए अपना एक लौता घर बेच दिया था और वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाई, तो उसने खुदकुशी कर ली खुद को आग लगा के। तो ये सब मतलब उस नरेटर को ऐसा लगता है कि ये जितनी भी किताबें हैं वो जो भी विमेन राइटर है उनके लाइफ के बारे में है कि उस टाइम में उस समाज में औरतों को कितना ज़्यादा सहना पड़ता था। फिर नरेटर बताती है कि थर्ड फ्लोर में जो किताबें रखी हुई है वो सिर्फ किताबें नहीं है, वो सिर्फ किताबें नहीं है, वो उन औरतों की ज़िंदगी है। एक पूरा जेनरेशन है जहाँ औरतों ने लिखा है कि उनको मतलब कितना कुछ सहना पड़ा है अपने लाइफ में, कि वो अपने दुख दर्द किसी को बयां नहीं कर सकी, इसीलिए उन्होंने लिखने का सोचा और अपने जो भी दुख दर्द थे उन्होंने लिखकर बयां की। तो इनको हम सिर्फ किताबें नहीं बोल सकते, ये किताबों से भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। फिर वो बताती है कि जो हमारी भारतीय नारियाँ इंडियन वुमेन, वो साड़ी पहन के वाइट वुमेन्स के साथ बैडमिंटन खेला करती थी, वाइट पीपल इंडियन वुमेन्स को माई गर्ल बोल के बुलाते थे, औरतों को धर्मा सिखाया जाता था और उनको उसी धर्मा के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था। इनमें से एक औरत थी जो ये सब कुछ सहन नहीं कर पाई, तो उन्होंने क्या करा, तो उनका नाम था नल्ला थंगल, उन्होंने क्या करा, सुसाइड करना ही अच्छा समझा ये सब कुछ सहन ना कर पाने की वजह से। तो सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे को कुएं में धक्का दिया, फिर वो खुद कुएं में कूद के उन्होंने अपनी जान दे दी। एक और औरत थी विधवा औरत, जिन्होंने अपने सर के बालों को शेव नहीं करा था, तो उनको अलाउ नहीं करा गया था कि वो अपने पति के अंतिम संस्कार में पार्ट ले सके। जो देवदासी थी, जो मंदिरों में काम करती थी औरतें, उनको देवदासी बोला जाता था, उनको इतनी चीज़ों से गुजरना पड़ता था, इतनी सफरिंग थी उनकी। फिर आए महात्मा गांधी, उन्होंने कहा जो औरतें हैं वो सिर्फ चरखा चला सकती है। तो फिर नरेटर को ऐसा फील हुआ कि औरतों को कितने कुछ से होके गुजरना पड़ता था। फिर इन्होंने तो ये स्टोरीज पढ़ ली और ये बोल भी दी। इसके बाद जो नरेटर है वो जर्नल्स पढ़ने लगी, जर्नल्स में जो औरतें थी उनके बारे में पढ़ने लगी, और वो बोलती है एक जर्नल था त्यागभूमि, जिसमें एक औरत थी जिनका नाम था उमा रानी, जिन्होंने उस जर्नल के थ्रू डिक्लेयर करा था कि वो किसी की भी गुलाम नहीं है, किसी की स्लेव नहीं है। आनंद विकटन एक जर्नल का नाम था जिसके कवर में ये दिखाया गया था कि जो लड़कियां है वो फ्रीली चल रही है और उनके जो हस्बैंड थे वो उनका शॉपिंग बैग उठा के चल रहे। तमड़ई कन्नी एक औरत थी जिन्होंने ये कहा था कि हम तमिल के लिए अपनी ज़िंदगी न्योछावर कर सकते हैं। फिर एक औरत आई जिनका नाम था अमैयर, जिन्होंने राजा जी को कन्फ्रंट करा था, उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था राजा जी ने कि गांधी जी ने कहा है, महात्मा गांधी तब तक यहाँ पे नहीं आएंगे जब तक लोग पैसे नहीं भरेंगे। तो अमैयर ने इस खिलाफ राजा जी पे आवाज़ उठाई थी। तो पहले तो नरेटर ने कुछ ऐसे टॉपिक पढ़े जहाँ पे औरतों ने बहुत सफ़र करा था, फिर जर्नल्स में उन्होंने देखा कि औरतों ने थोड़ी थोड़ी आवाज़ उठाई थी अपने लिए, तो वो कहीं ना कहीं इन किताबों में बिल्कुल खो चुकी थी। उनको होश तब आया जब उस स्क्विरल ने एकदम से मतलब पूछ मारी अपनी, तो वो एकदम से होश में आ गई। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया स्क्विरल ट्रांजिशन है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही अलग दुनिया में चली गई थी नरेटर सारी किताबें पढ़ते पढ़ते। तो रियलिटी में लाने के लिए स्क्विरल ने ही हेल्प करा, स्क्विरल ने एकदम से अपना पूछ हिलाया तो उसका पूछ नरेटर के हाथ में लग गया, तो नरेटर अपने होश में वापस आ गई और स्क्विरल फिर से ग्लू खाने लग गई उस कवर पे लगा हुआ। फिर नरेटर ने एकदम से अपने आसपास देखा तो उसने पाया कि ये जो लाइब्रेरी है ये एक बहुत मतलब डार्क प्लेस है और बहुत डस्टी प्लेस है, इतनी साफ़ सफाई यहाँ पे है नहीं ज़्यादा, और जो स्टाफ है यहाँ के वो एक ही काम करते हैं कि जो किताबें अब फटने लग गई है, जो एकदम से जिनके कवर निकलने लग गए हैं उनको वो स्ट्रिंग से बांध के रखते हैं किसी तरह। और लाइब्रेरी वालों का जब लंच टाइम हुआ तो वो सारा कुछ अपना काम वाम छोड़ के एकदम से अपना खाना खाने बैठ कर कॉन्वर्सेशन में इंडल्ज हो गए, उनको कुछ होश नहीं या वो कुछ सीरियस नहीं है अपने काम को लेके। उनमें से एक लाइब्रेरियन ने आके नरेटर को बोला कि ये जो किताबें हैं ना थर्ड फ्लोर पर ये सारी वेस्ट है और इनको कोई पढ़ता वढ़ता नहीं है, तो एक ना एक दिन ये सारी किताबें हम जला देंगे यहाँ पे क्योंकि ये किसी काम की नहीं है। तो नरेटर को बहुत ही बुरा लगा, तो नरेटर ने क्या
क्या करा कि वो उस लाइब्रेरी से निकल के चली गई, पर उनको ऐसा फील हुआ कि उनका दिल बहुत भारी हो चुका था, बहुत ही हैवी हार्ट लेके वो वहाँ से वापस चली गई। और यही होता आखिर में कि यही बताते हैं कि कैसे औरतों को इतना सफ़र करना पड़ा और इतना, और उन्होंने जो भी सफ़र करा अपनी लाइफ में उन्होंने अपने राइटिंग्स के थ्रू लिखी, और उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि अब वो भी एक ना एक दिन जला दिए जाएंगे। तो नरेटर वहाँ से चुपचाप चली गई और यहीं पे हमारे ये शॉर्ट स्टोरी ख़त्म हो गया। अल्टीमेटली इस स्टोरी का मॉरल यही है कि एक टाइम था जब वुमेंस को बहुत सफ़र करना पड़ता था, वुमेंस की कोई वैल्यू नहीं थी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी था, वो किसी को कुछ बोल नहीं पाते थे, तो जो उनको होता था दिल में वो सारी किताबों में लिखती थी ये सोच के कोई उसको पढ़ेगा, पर उनकी भी कोई वैल्यू नहीं होती थी। लाइब्रेरी में धूल मिट्टी में वो लगे पड़े रहते थे और एक ना एक दिन उनको जला दिया जाता था। तो अंबाई ने यही बताया है कि वुमेंस को कैसे सफ़र करना पड़ता था, और कुछ औरतें ऐसी थी जो एकदम से अपने लिए स्टैंड लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई हो। थैंक यू सो मच।